यूपी की राजधानी लखनऊ में खस्ता हाल जर्जर पुरानी इमारत के अचानक गिर जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान इमारत के नीचे खड़े वाहन तो क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन किसी की जान माल का नुकसान नहीं हो पाया। आपको बता दें कि पूरा मामला लखनऊ कोतवाली क्षेत्र के हजरतगंज MG मार्ग पर स्थित एक ऊंची इमारत दिन में अचानक गिर गई, जिसको लेकर इलाके में सन्नाटा होने के कारण किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इमारत गिरने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, वहीं स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। निश्चित तौर पे काफ़ी पुरानी है और ये हजरतगंज थाना क्षेत्र में मोहम्मद अमजद साहब का मकबरा है, उसका मेन गेट जो है और उससे संबंधित जो कुछ पार्ट्स है वो उसके अचानक से गिर गए। तुरंत मौके पर पुलिस यहाँ पहुँची और इसने पूरे इलाके को सिक्योर कराया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। थर्मल इमेजिंग के माध्यम से अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, तथापि अभी और भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो गार्बेज है वो हटाया जा रहा है और यहाँ पे हमारी सारी टीमें पहुँच चुकी हैं। निश्चित तौर पे कुछ ही समय में हम आपको बताने की स्थिति में होंगे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और इसके आसपास कोई कुछ लोग रहते थे, रेजिडेंसी घर टाइप बना नहीं, इसके ऊपर जो ऊपर का पार्ट है इसमें कुछ रहते थे और नीचे के पोर्शन में कुछ दुकानें थी। दुकानें तो बंद है लॉकडाउन की वजह से, ऊपर के पोर्शन में कुछ रहते थे शायद, वो भी नहीं है यहाँ पे इस समय। बाकी ऑपरेशंस जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, लेट्स सी। हम लोग पूरी तरह से इसमें अभी वैज्ञानिक ढंग से इसकी जाँच कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति दबा ना हो।